परमेश्वर का आदर करना सीख गए तो सोच लो कि आपके पास एक बड़ी आशीष हमेशा रहेगी। जब हम किसी बड़े का आदर नहीं करते, आप सोचिए, आप माँ बाप हैं, आप बड़े हैं, अगर आपका बच्चे आदर ना करे तो आपको कैसे लगता है? बोलिए, अगर आपके बच्चे बड़ों का आदर ना करे तो कैसा फील करते हैं हम? अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो चंगा लगता सर? नहीं लगता ना। तो वो परमेश्वर जिसने आपको आशीष देनी है, जिसने आपकी हर एक टेंशन को उठाना है, ताकि बीमारियों को लेके जाना है, खत्म कर देनी बीमारियां, वो ताकि वह झांकता पे है, वो देखता पे है मेरे बच्चे मेरे वाल देख रहे हैं, बच्चा ध्यान कि हो रही है, रिश्तेदारियां नभानी है, पानी पीना है, ये करना, बच्चे खिलाने हैं, ये बच्चे खिलाने का समय नहीं है, ये रिश्तेदार देखने का समय नहीं है, किसी भैन ने गुजरी कपड़े देखने का समय नहीं है, हमने कड़ा सूट पाया मैं लेके आना, सारी गल चर्च तो बाहर। लेकिन हूँ साढ़े चाहिए परमेश्वर असि आदर करना। मेरी बात अगर बुरी लगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर सबसे पहले परमेश्वर खुश होना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं आया यहाँ पर, और सबसे पहले मेरी ये प्रॉब्लम भी है, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर खुश हो, बंदा कभी खुश नहीं हो सकता। किसी बंदे को खुश करके देखा है? कभी बंदा खुश होता है? जितना मर्जी जड़ा जड़ा जिंदगी भर करी जाओ, कभी खुश होता बंदा? कभी खुश नहीं होता, ये हो नहीं सकता, ये बंदा नलायक है। पर जो प्रभु का आत्मा इस बंदे च आंदा है, फिर ये बंदा बंदा सही। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में, आपके बच्चों में और आपके अंदर एक आशीष आए और आपकी जो नीड है, आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, तो जो जो चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको आत्मा के अंदर फिट कर लेंगे तो चंगाई और सब पारिवारिक आशीष आपके पास आ जाएंगे। अगर आप उस चीज को नहीं लेंगे तो मेरी कोई गलती नहीं है, आप जैसे यहाँ पर आए हैं वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे। मान लो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कौन बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे खांसी लगी है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि प्लीज आप तली हुई चीजें ना खाएं, बोलता डॉक्टर हमें, लेकिन अगर घर जाके ऐसी तल के पकौड़े खाइए, ठीक है, कि दवाई नहीं ले ना, लेई ना दवाई लेई ना, तो पकौड़े खा लिए तल तल के, तो बाद डॉक्टर को, डॉक्टर साहब इसमें चंगे नहीं हुए, तो कैदी गलती है? आजाद हो, हजे भी आजाद हो, उसी वचन सुनो या ना सुनो, अगर आप वचन को सुनेंगे तो एक बहुत बड़ी आशीष आप पाएंगे। बच्चे मेरे साथ पढ़ लीजिए, कोई भी है, पहला पत्र उसका दो अध्याय और 25 पढ़िए, क्या लिखा है, सुनना ध्यान से, तुसी दा भेड़ा वांग भटकदे फिरदे सो। पहली गल की लिखी है, तुसी भेड़ा वांगण की करदे सी, भटके हुए सी, समझ रहे, भले एक ऐसी भेड़ थे हम जिसका कोई भी चरवाहा नहीं था, कोई भी रखवाला नहीं था, मतलब इसी इतने देख रहे हैं जैसे कोई पेड़ डाले पेड़ डाटे एक राजे पेड़ डाला, उन्हें कोई चरवाहा ना होए कि वो पेड़ डाला हाल क्यों होगा, कोई भी उन्हें कुत्ता बड़े खा जाएगा, कोई बंदा बड़े खा जाएगा, क्योंकि उसका कोई वाली वारिस नहीं है। पहले असी इतना ही होंगे सी, साडा कोई वाली वारिस नहीं सीगा, सुनते गल पल्ले पाई मेरी गल, क्या पढ़ो दोनों द्वारा से उससे, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਜੋਰ ਸੇ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਕੋਈ ਲੰਗੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਰਸੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੱਥਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ,
ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਚ ਤੁਮ ਬੁਲਾਏ ਗਏ है। आप देखिए ये जमीन कितनी बड़ी है, जमीन कितनी बड़ी है, सोच सकते हैं आप? हमारे नजरे में क्या कितनी बड़ी जमीन है? इस जमीन को बनाने वाला परमेश्वर, उस जमीन को, उस परमेश्वर ने आपको बुलाया। इसलिए भी बुलाया आपको, बहुत दुनिया काम कर लिए आपने, बहुत दुनिया देख ली आपने, फिर भी अगर हम दुनिया के बीच में उलझे रहे तो क्या फायदा परमेश्वर का? आप बनना नहीं चाहते, क्यों नहीं बनना चाहते? शैतान चाहता नहीं कि आप बनना चाहेंगे, हम शैतान की तरफ चले या प्रभु की तरफ चले? फिर जो चीज आपको बोली जा रही है उस चीज को आपने समझना है। जो चीज मैं आपको, मैंने सिंपल तरीके से आपको एक स्टोरी, एक कहानी बना के बता रहा हूँ। पहले हम भटकी बड़े समान थे, पहले आप यीशु को नहीं जानते थे, सिंपल। अब आप यीशु को जान चुके हैं, अब जान चुके हैं तो यीशु तुम्हें बुला रहा है। लिखा जिस प्रकार से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। अब आपकी एक चर्च के अंदर जिम्मेदारी है। अब मैंने ये कहा तुम्हारा जो बुलाने वाला परमेश्वर है वो छोटा परमेश्वर नहीं है, वो इतनी पावर रखता है उसने जमीन को भी लटका कर रखा हुआ है। तो वो सोचो कितना पावरफुल परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया। धन्य है आप कि आप आए हैं, हजारों करोड़ लोगों में से निकलकर आपको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। कितने लकी हैं आप, सोचिए। आपको पता नहीं आप कौन है, पहली प्रॉब्लम तो ये है। आप बहुत ही जबरदस्त और महान व्यक्ति है यहां पर, पता आपको? आप छोटे व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति यीशु के लोग से धुल चुका है वो छोटा व्यक्ति नहीं है, पर शैतान क्या कहता है? वो नॉर्मली है, किसी यार ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, अभी तो प्रॉब्लम आ रही सब। हमें परमेश्वर को आदर देना है। आमीन। जिस प्लाट से बुलाए गए थे, मैं जो प्रभु के निमित्त कहती हाँ तहाडे अगे बेनती करता हाँ जो तुसी जिस सदे नाल सदे हुए हो ओदे जोग चाल चलो। उसी योग्य चाल चले। अब परमेश्वर आपको चर्च में लेकर आया, ओके? और आपका पास्टर कौन है? प्लीज बच्चा को पास्टर खड़े हो जाओ। आप एक ही जगह टक लो बाबू पीछे, टक लो बाबू बोल लो बाबू बाबू पीछे कोई बात नहीं, ले लो ये होता था पास्टर। सुन ले कर लो, तुम सुनना जो मेन चीज आपको बताने जा रहा हूं। अब परमेश्वर जिस प्लाट से आपको बुलाया है तुम कुछ पता नहीं, उसी के चर्च चकी हो सकता है कुछ बहने प्रार्थना योद्धाएं बन जाए यहां पर कि जड़ी बहना प्रार्थना करनी है। आपको कुछ मालूम नहीं, आप आराम से बैठे हुए हैं, है ना? हो सकता है परमेश्वर आपको स्टेज के ऊपर लेकर आए, या भाई बैठे हुए हैं और भाई भी आएंगे। कुछ नहीं पता भाइयों को कि हम क्या कुछ बनने वाले हैं, तानू कुछ नहीं पता, परमेश्वर को मालूम है। आमीन। परमेश्वर को मालूम है इस बेटे को क्या बनाना है, इस बेटे को क्या बनाना है, पर ये वेट रखना पड़ेगा, ये धीरज रखना पड़ेगा। हालेलुया। पास्टर कौन है? पास्टर लकी। अब जिस बात से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चले। अब चाल कैसे चलनी है ये पास्टर जी आपको बताएंगे। ये भाई ये ड्यूटी है, ये घर की ये ड्यूटी है। अगर आप उस चाल पर नहीं चलते हैं तो एक बिग प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को नियुक्त किया है। यर्मिया 3:15 पढ़ो साथ में, यर्मिया 3:15 सुनना ध्यान से। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आज लीव कर रहा हूं, मैं घर से कुछ और मैसेज बना के लेके आया था। क्या आज मैं बड़ी जबरदस्त स्टडी दूंगा,
बहुत बहुत पावरफुल श्री नेक्स्ट में आऊंगा मैं वो स्टडी भी आपको दूंगा लेकिन पवित्र मुझे कह नहीं राजेश ये स्टडी नहीं उनको ये चीज दिया जो मैं तुझे बोल रहा हूँ हालेलुया और अब क्या लिखा मैं तुम अपने दिल के अनुसार हाजिरी देंगा मैं तुम अपने दिल के अनुसार आजादी देंगा समझ रहे पंजाबी मैं लगा तुम सिंगल पंजाबी सिखा दोगे मेरे परमेश्वर कहता है जो मुझे पास्टर अच्छा लगता है मैं तुम उस को लगा लगा सुन रहे परमेश्वर ने तुम किने को कर लिया पास्टर लगी क्या यहाँ पर और पास्टर नहीं है हैं तब आपको परमेश्वर ले कर आया यहाँ पर क्यों सुना जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके पास तो भेजूंगा और पास्टर हैं उनके पास और लोग हैं वो भी प्रभु ने कर लिया मुझे ओके फिर प्रजा से ये निकलेगा मैं तहानू अपने दिल के अनुसार हाजिरी देंगा बच्चों कैसे चलाना है बिजनेस कैसे चलाना है घर कैसे चलेगा उस
पार्ट है हमारा फेल हो गया। हालेलुया भी परमेश्वर जो चरवाहा है आपका, हमारा चरवाहा है, उसने चरवाहा को नियुक्त किया है, वो तुम्हें टीच करेंगे। आज देखिए अगर पास्टर लक्की, मैं अपने व्यक्तिगत सोचता हूँ ये बात, अगर पास्टर लक्की आपसे प्यार ना करते तो वो कभी मुझे ना बुलाते। अब पता है उन्होंने क्यों बुलाया आज यहाँ पर मुझे, आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया तो बताएगा वो बहन भाई क्यों सत्य है हमारे लिए। वेरी गुड, आपके लिए, ताकि आप और मजबूत बने, ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बने, आप कुछ सीखे, आप उन चीजों समझे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वचन में क्या लिखा है, तू पंजाबी बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, तू मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह भर दियांगा। पर हमारे पास दुनिया के लिए मुंह खोलने को है, प्रभु के सामने मुंह तभी नहीं खोलते। आप मुंह खोले, प्रभु तूने कहा मैं तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर हूं, मैं मुंह चिंता कर तो मुंह खोलेगा, प्रभु तेरे मुंह भर देगा। चल
ਚੱਲੀਏ ਜਦ ਟੋਣਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਐਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪੜੋਸੀ ਵੱਲ ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ ਦੇ जाएगा।
तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब तुमने निर्णय लेना है, तुमने डिसीजन लेना है, तुम क्या चाहते हो अगर तुम्हारे लिए हो जाए। घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे आ जाए, क्या आ जाए, क्या चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। आप इंफॉर्मेशन को दोस्त नहीं चाहते। मैं चर्च गई, मैंने कुछ नहीं मिला, गलत बात। तभी कहा अभी तुम्हारे सामने पड़ा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज आपको किस चीज की नीड है, आज आपको किस चीज की जरूरत है, इसके लिए एक ही बात है, आप जाइए प्रभु यीशु मसीह को अपने सब गलतियों को मानता करो। बहुत पाप किए मैंने जिंदगी में, बड़े धोखेबाजी की प्रभु, बहुत पाप किया, माफ कर दे। आज के बाद मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे, आपके अंदर प्रभु का वचन आएगा। जब वचन आएगा और तुझी कह राम रखना ना, प्रभु मैंने ये चीज चाहिए है और चीज का निवास तुरंत करिए उसे चाहिए। तुम्हारे पास पहुंच कर ही रहेगी, तो चीज मिलनी ही मिलनी है। क्यों? ये साडा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, वो आज भी साड़ी चिंता करता है, साडे नाल प्यार कर रहा है, वो आज भी आपसे प्यार करता है। और एक बार कहता है, मेरी बेटी लौट कर, मेरे बेटे लौट कर। हालेलुया। क्या हम लौट कर आ रहे हैं और क्या हम अपनी संसारिक चीजों को छोड़कर आ रहे हैं? अगर हम संसारिक चीजों छोड़कर आ रहे हैं, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। आमीन। और आपकी बीमारी है, आपके दुख, पता भी चलेगा कब आए और कब चले गए। हर रोज सुबह और तेरे की बात करो, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे चिंगाई दे दिया। घोषणा करो, ये बोला मैं बीमार नहीं, लिखा है मुंह खोल तेरे मुंह पर अगला। शैतान भी कह रहा है मैं बीमार, शैतान ही मुंह पर दूंगा बीमारी और दे दूंगा नारी। सुन दे हो, समझ आई गलती नहीं? कहोगे प्रभु मैं चंगा हाँ, वो चंगाई हो रहा होगी, मैं बीमार हाँ, शैतान ने होर मरे गल दो ताडे मुंह ते डिपेंड है। हूं तुसी मुंह खोलदे हो ते की कहंदे हो मुंह चो? हालेलुया। जो भी आपके दास आपके पास्टर आपको समझाते हैं वचन से, उसको पकड़े जाओ, करते जाओ। और मैं कहता हूं एक महीने देखो, दो महीने देखो, आप देखोगे परिवर्तन आता होगा। जो काम आप कर नहीं पा रहे थे, आप बीमार है, आपको पता चल रहा है मेरा हाथ नहीं चल रहा, ये चलन कैसे पड़ा? क्यों? क्योंकि यीशु का लहू पहले काम नहीं कर रहा था। जब से आपने वचन को मानना शुरू किया, अंगीकार किया, वो लहू भी वर्क करना शुरू कर दिया बॉडी के अंदर। आमेन। मालूम है शैतान सबसे ज्यादा घृणा किस चीज से करता है मालूम है आपको? शैतान सबसे ज्यादा घृणा किस चीज से करता है? वो है यीशु का लहू। और जब आप बोलोगे मैं यीशु के कूड़े खाने से चंगा हूं, मैं यीशु के लहू से पवित्र हूं, शैतान ओला बन जाएगा, सड़ जाएगा वो हर रोज सड़ाओ से। जला दो हर रोज यीशु के नाम से उसको। आप धीरज से प्रेम से अपने पास्टर का वफादार हो। कोई भी आता है उठे चल इतने चल उठे, इतना होता है इतने होता है, पहले कुछ नहीं होता, साढ़े अंदर ही सारा कुछ होता है। हालेलुया। तुम्हें कोई नमक की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है, तुम पता नहीं यीशु ने किया, आप पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। और जब बताओ प्रभु ने कहा तू पृथ्वी का नमक है, उन्हें भाई कह मैंने नमक दे दो,
ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨਾ ਮੰਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और चिंगाई बोलक बात आप तेल को बेच नहीं सकते क्या पवित्र को बेचते हम नो प्रभु ने फ्री दिया है और फ्री ही होना चाहिए हमें हालेलुया एक ही बार डिसीजन लो एक ही निर्णय लो परमेश्वर ने हमें इस चर्च से जोड़ा है और हमेशा हम अपने पास्टर का जुड़े रहेंगे वे यहीं